हेलो फ्रेंड्स, सो दिवाली आ गई है और आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिया है मैंने। दिवाली आती है तो स्वीट्स तो आते ही हैं, और सबसे फेवरेट स्वीट्स जो ज़्यादातर लोगों की होती है वो होती है काजू कतली। तो काजू कतली आज बनाएंगे हम, और इसके लिए बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसमें चाहिए काजू और चीनी, और इसके साथ हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जितना घी लेंगे। तो बस इन्हीं चीज़ों में बन जाती है हमारी काजू कतली। जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें पता है, हमें ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने सही में काजू उसमें डाले भी है कि नहीं डाले। तो ये बहुत ही क्विक बनने वाली, जल्दी से बनने वाली, सबकी फेवरेट काजू कतली अब हम बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप काजू लिए हैं और इसके साथ साथ 3/4 कप चीनी ली है। तो पहले हम ये काजू को एक मिक्सर जार में लेंगे और उसको ग्राइंड कर लेते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें थोड़े थोड़े काजू एक साथ लेके इसको हमने मिक्सर में ग्राइंड करना है। सारे काजू एक साथ नहीं डालने हैं। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि जब काजू को हम काजू में, हमें पता है कि एक तेल रहता है, तो अगर हम काजू को वैसे ही अगर ग्राइंडर में अगर ग्राइंड करते हैं तो उसका जो तेल आता है तो उससे कोई अजीब सा स्मेल आ जाता है हमारे काजू में। तो इसके बदले हम इसको अवॉइड करने के लिए मैंने ये काजू को फ्रीज़र में एकदम चिल्ड कर लिया है। इससे हमारा जो ये तेल छूटता है वो नहीं छूटेगा काजू में। और अब मैं इसको ग्राइंड करके भी आपको दिखाती हूँ कि हमें इसको कैसे ग्राइंड करना है। वैसे तो मैं आपके सामने सीधा पाउडर लेके आ जाती, बट इसको ग्राइंडर का भी एक प्रोसेस होता है, तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है काजू कतली को अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम काजू को क्रश कर लेते हैं। तो चलिए अब ग्राइंडिंग शुरू करते हैं। हमें इसको थोड़ी थोड़ी देर चला के तुरंत बंद कर देना है ताकि काजू जले नहीं, क्योंकि कई बार हीट ज़्यादा हो जाती है ग्राइंडर में, तो उससे काजू में एक जलने का, वो महकाने का भी चांस रहता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें हर बार इसको घुमा के बंद कर देना है। अभी खोल के देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे काजू की। आप देख सकते हो कि काजू का ऑलमोस्ट ये हो चुका है, लेकिन अभी थोड़े थोड़े से दाने दिखाई दे रहे हैं। तो हम बस एक बार और इसको घुमाएंगे। बस तो ये हमारे काजू को, अब हम बाकी का जो काजू है उसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब हमारा, आप देख रहे हो, काजू हो गया है। अब आपके घर में जो सबसे पतली वाली छलनी या होगी कुछ भी, इसको स्ट्रेनर, उसको आप लीजिए और इसको स्ट्रेन कर दीजिए, क्योंकि हमें एकदम ही स्मूथ चाहिए काजू का पाउडर। तो हम इसको अच्छे से इसमें छान लेंगे ताकि कोई भी पार्टिकल्स बढ़े इसमें ना आए और हमें एकदम ही स्मूथ पाउडर मिले काजू का। तो इसको मैं, आप देख रहे हो, ऐसे मैंने छान लिया है। अब जो बाकी का भी अभी ये बच रहा है, जो थोड़ा सा मोटा मोटा काजू रह गए हैं थोड़े से, जो अभी ग्राइंड नहीं हुए हैं, उसको भी हम फिर से इसको करेंगे एक बार और मिक्सर में ग्राइंड, और फिर से इसको इसमें पाउडर में छान लेंगे ताकि हमारी एकदम अच्छा सा स्मूथ वाला पाउडर हमें मिले। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे चीनी। जैसे मैंने पहले बताया था, 3/4 कप चीनी ली है मैंने, और इसमें 3/4 कप ही पानी डालेंगे हम। जितनी चीनी है सेम प्रपोर्शन में पानी डलेगा यहाँ पे। और अब जब तक ये चीनी हमारी बॉयल होती है तब तक इसको हमने गैस ऑन रखना है। हमने चाशनी नहीं बनानी है यहाँ पे, हमने खाली चीनी को बॉयल करना है। अब आप देख रहे हो कि हमारी जो चीनी है वो बॉयल हो चुकी है। अब हम इसमें हमारा काजू का पाउडर ऐड करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, हमें चाशनी नहीं बनानी है। अगर आप चाशनी बनाओगे तो ये काजू की, जो हम काजू की कतली बना रहे हैं, वो काफ़ी कड़क हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही चीनी बॉयल हो जाती है हमें इसमें ये काजू का पाउडर डालना है। ये मैंने बताया, जैसे कि ये 2 कप काजू का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे।
और हमें कंटिन्यूअसली हिलाते रहना, इसको चलाते रहना है ताकि काजू के लम्स ना हो और साथ साथ ये काजू नीचे हमारे चिपके भी नहीं। आपने ये प्रोसेस को कंटिन्यूअसली चालू ही रखना है। अब हमें कंटिन्यूअसली इसको चलाते हुए जब तक ये चीनी है सारी घुल जाए और इसका जो पानी है थोड़ा सा बर्न्ट हो जाए तब तक हमें इसको गैस पे ऐसे चलाते रहना है और इसको कंटिन्यूअसली हमें चलाते रहना है। जैसे मैंने बताया कि अगर काजू हमारे चिल्ड है तो ये हमारा जो काजू का तेल है वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन हमने ये चलाते हुए इसको कंटिन्यूअसली करते रहना है, उसको हमने नहीं भूलना है। और करीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे जब तक ये काजू हमारा जो है एक हमारा थोड़ा सा गाढ़ा मिक्सचर हो जाएगा। ये हमें चेक करना है ऐसे चलाते चलाते, अभी तो ये काफ़ी लिक्विड है लेकिन अभी हमें इसको गाढ़ा हो जाए तब तक ऐसे चलाते रहना है। अब आप देख रहे हो करीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए और ये इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। आपकी ये जो काजू की पेस्ट रेडी होने का एक ही तरीका है आपको पता चलेगा, जब ये अपने आप ही कढ़ाई छोड़ने लगती है दैट मीन्स कि आपका ये काजू का जो पेस्ट है वो एकदम रेडी हो गया है। हमारी काजू कतली है वो रेडी हो गई है। मैंने यहाँ पे 3 से 4 इलायची का पाउडर जो था वो भी क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा कोई एसेंस होता है अगर केवड़ा एसेंस होता है वो भी आप ऐड कर सकते हो और 1 या 2 ड्रॉप रोज़ वाटर के भी ऐड कर सकते हो अगर आपको फ्लेवर वाली काजू कतली खानी है तो मार्केट जैसी। बट मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि हमें प्योर टेस्ट वाली काजू कतली चाहिए होती है। अब हम इस मिक्सचर को बंद कर देंगे क्योंकि ये रेडी हो गया है और इसको आपने चेक अभी थोड़ी देर ठंडा होने देना है नॉर्मल टेम्परेचर पे। आप चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हो लेकिन फ्रिज में रखने से इसके ऊपर एक पपड़ी जैसा हो जाएगा, इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर में इसको हमने ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। बेसिकली इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब हम इसको थाली में डालते हैं तो ये पूरा राउंड हमारे हाथ से बन जाना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी वैसे ये ठंडा हो रहा है तो तब तक हम इसको चेक करते हैं। ये आप देख रहे हो मैंने इस थाली में इसको डाल दिया है। अब जब मैं इसको यहाँ से अभी थोड़ा सा ये गर्म है ये आप देख सकते हैं ये अपने आप ही मेरे हाथ में आ गया और चिपका नहीं है और इसका राउंड एक अच्छे से बन जाना चाहिए। दैट मीन्स कि ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है। ज़्यादा देर अगर इसको हम रखेंगे तो ये बहुत चिपचिपा हो जाएगा तो इसीलिए बस ये अब इसको ठंडा होने देते हैं फिर हम ये थाली में इसको फैला देंगे। आप चाहो तो बटर पेपर पे भी इसको लगा सकते हो। मैंने इस थाली को घी से ग्रीस कर लिया है। अब हमारा ये जो मिक्सचर है वो एकदम ठंडा हो गया है। इसमें मैंने जब गैस बंद किया था उस टाइम पे 2 टेबलस्पून घी भी ऐड किया था ताकि ये थोड़ा सा स्टिकी बने। आप चाहो तो 1 या 2 चम्मच दूध भी इसमें आप डाल सकते हो लेकिन दूध डालने के बाद हम इसको ज़्यादा दिन के तक स्टोर नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए मैंने इसमें दूध डाला नहीं है। अब हम यहाँ पे या तो आप बटर पेटर पेपर को जैसे पहले बताया था ग्रीस कर लीजिए, बट मैंने प्लेट को जो ग्रीस कर लिया अपनी डिश को उसमें मैं ये स्प्रेड करूँगी सारा ही मिक्सचर हमने इसमें डाल देना है और फिर हाथों की मदद से हम इसको स्प्रेड करेंगे। आप चाहो तो चम्मच से भी इसको कर सकते हो। अब आप देख रहे हो कि हमने अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है प्लेट में। ये मिक्सचर थोड़ा था तो इसीलिए आधी प्लेट में कवर हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा केसर डाल के इसकी गार्निशिंग करेंगे। अगर आपके पास वर्क है जो चांदी का आता है वो है तो आप वो भी इस पे डाल सकते हो तो एकदम बाजार जैसा लुक आएगा। आज मेरे पास नहीं है तो मैंने उसको नहीं लगाया है। केसर को अच्छे से हम ऐसे अलग अलग इसमें डाल देंगे। अब ये जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसके पीसीस कर लेंगे तो हमारी काजू कतली एकदम तैयार है। वैसे तो ये ठंडा है हम अभी इसके पीस कर सकते हैं। एक नाइफ की हेल्प से हम इसके पीसीस कर लेते हैं।
ऐसे ही तरह से आप अगर चाहो तो बादाम पाक भी बना सकते हो। जैसे हमने काजू का पाउडर डाला था उसके जगह पे आप बादाम का पाउडर डाल सकते हो, या फिर पिस्ता का भी आपने बनाना है तो सेम तरीके से बना सकते हैं, पिस्ता का पाउडर आप डालिए। अगर इसी में हमको कोई वेरिएशन चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा चॉकलेट कोको पाउडर डाल के चॉकलेट काजू कतरी बना सकते हो, तो आपके बच्चे वो भी प्यार से खाएंगे। बस अब ये हमारे काजू कतरी सर्व के लिए एकदम रेडी है। अभी इसको थोड़ी देर और हम ठंडी होने देते हैं, तब तक ये सही से पीसीस में अच्छे से जम जाएगी। अभी ये थोड़ी सी ढीली है बट अब थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और मुझे आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे अपना फीडबैक बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, ज़रूर 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 से मेरे YouTube चैनल पे जाइए, उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर किसी और रेसिपी के साथ हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन हैप्पी कुकिंग, अपना ख्याल रखिए और अपने खाने का भी। बाय।